हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट नाउ अवर फर्स्ट टॉपिक इज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। स्टूडेंट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट एक तरीके की सिचुएशन है एक फीचर है इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका बाटर सिस्टम का बार्टर सिस्टम स्टूडेंट ये उस टाइम पे चलता था जिस समय आपका मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था जहां पे गुड्स को खरीदा जाता था एक्सचेंज किया जाता था लेकिन मनी का इस्तेमाल नहीं होता था तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या होता है जब कोई भी दो पार्टी सेलर और बायर एग्री करती हैं कि उनको सेम सामान ही खरीदना और बेचना है तो उसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सामान है और दूसरा वही सामान लेना चाहता है और आपके पास वो सामान है जो आप बेच रहे हैं दूसरा वही सेम लेना भी चाहता है तो उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट लेकिन आप मनी का कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं नो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो पहले के टाइम पे अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता था जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइंस का यूज होता था लेकिन अगर हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करें तो आज हम मनी में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं पेपर नोट्स को इंक्लूड कर सकते हैं करेंसी जो चल रही है या कॉइन्स को यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ Uh, अब ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी को जो हम यूज कर सकते हैं तो इसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये एक्सेप्टेबल क्यों है इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री अब अगर हम के, हम कहीं पर भी हैं इंडिया में और हम करेंसी को यूज कर रहे हैं क्वॉइन्स को यूज कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कि मतलब हम कुछ पैसा दे रहे हैं हमें कुछ मिल रहा है सामान क्यों एक्सेप्ट कर रहा जा रहा है हर जगह उसको हम हर जगह इंडिया में उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस करेंसी को हमारी भारत की सरकार ने गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है उसकी परमिशन दी हुई है और इंडिया में आरबीआई जो होता है वो करेंसी नोट को इशू करता है किसके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाव पे आरबीआई जो है करेंसीज के नोट को इशू करता है एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी तो हमारे इंडियन लॉ कानून के हिसाब से कोई भी इंसान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अलाउड नहीं है उसे परमिशन नहीं है कि वो करेंसी को इशू कर सके मोर ओवर इसके साथ ही साथ द लॉ लीगलाइज दूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट और हमारे कानून ने ये लीगलाइज कानून ने ये चीज प्रूफ की है कि हम पे, हम रूपी को रुपये को यूज कर सकते हैं पेमेंट के तौर पर और कोई भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त कोई भी इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता है इंडिया में नो डिपोजिट विथ बैंक नेक्स्ट टॉपिक डिपॉजिट विद बैंक का मतलब होता है स्टूडेंट कि बैंक के पास हम अपने डिपॉजिट्स अपने पैसे को जमा करवाते हैं और बैंक क्या करता है बैंक उन डिपॉजिट्स को अपने पास रखता है और बदले में हमें क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट इसी तरीके से क्या होता है कि लोगों का पैसा जो है मनी जो है वो सेफ रहता है बैंक के पास और हम क्या अर्न करते हैं हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं पैसा कमाते हैं साथ ही साथ एक प्रोविजन एक हमें और फायदा यह भी मिलता है कि हम मनी को कभी भी निकाल सकते हैं विद्रॉ कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो जब भी जरूरत हो क्योंकि ये डिपॉजिट हमारे बैंक अकाउंट में होते हैं और हम अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करते हैं डिमांड करके कि हमें पैसा निकालना है इसीलिए इन डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट Uh, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जैसे बैंक जो है कि हमें ये फैसिलिटी देता है साथ ही साथ एक पेमेंट uh, करने के लिए हम कॉइन uh, और पेपर के साथ चेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चेक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट चेक एक तरीके का पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है निर्देश देता है कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट कुछ पैसा जो है uh, एक पर्सन के खाते से निकाल के उस पर्सन के खाते में डाल दिया जाए जिसके नाम पे चेक बना है तो उसे हम क्या कहते हैं चेक कहते हैं नॉन लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक का मतलब होता है कि बैंक कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है देखिए अगर स्टूडेंट्स आप बैंक जाते हैं तो आपने बहुत सारी एक्टिविटीज बैंक की देखी होंगी कि बैंक पैसे को डिपॉजिट भी करता है विड्रॉ कराता है चेक की फैसिलिटी देता है लॉकर की फैसिलिटी देता है लोन प्रोवाइड करवाता है तो जिनके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है उनसे पैसा लेके उन लोगों को प्रोवाइड कराता है लोन के फॉर्म में जिनको उनकी ज़रूरत है और इसी डिफरेंस में बैंक क्या करता है पैसा कमाता है अपना उसका सोर्स ऑफ इनकम यही बनता है नो क्रेडिट क्रेडिट का मतलब ये होता है स्टूडेंट लोन क्रेडिट का मतलब हुआ लोन मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट किन के बीच में लेंडर और बायर के बीच में लेंडर मतलब जो कि दे रहा है और बायर जो खरीद रहा है तो इन विच द लेंडर सप्लाइड द बॉरवर विद द मनी तो लेंडर क्या करेगा बॉरवर को पैसा देगा सामान देगा या सर्विस देगा और बदले में क्या लेगा फ्यूचर प्रॉमिस लेगा कि आपको फ्यूचर में उसका पूरा का पूरा पेमेंट देना है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट या लोन ना नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेप ट्रैप स्टूडेंट जब कभी भी लोन uh, एक्टिविटी की बात की जाती है तो अगर हम रूरल एरिया में गांव में हैं तो वहां पे डिमांड क्या होगी क्रेडिट किस लिए चाहिए होगा क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सामान खरीदने के लिए कि आपको सीड्स बीज खरीदना है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स या फिर ट्रैक्टर खरीदना है या फिर वाटर इलेक्ट्रिसिटी इन सब पे खर्चा होता है तो फार्मर्स को लोन कब चाहिए होगा सीजन के स्टार्टिंग में और पेमेंट वो लोन का कब कर पाएंगे हार्वेस्टिंग जब आप आ, आ, सीजन खत्म होगा और हार्वेस्टिंग होगी आ, तब आप लोन फार्मर्स चुका पाते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट की एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आ, एक लोन को चुकाने के लिए आ, आ, आप आप एक लोन चुका नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि सिचुएशन बदल जाती है हो सकता है क्रॉप फेलियर हो जाए किसान के सारे फसल बर्बाद हो जाए तो वो सिचुएशन इंसान को एक ऐसी सिचुएशन में पुश कर देती है धक्का दे देती है जिसे डेप ट्रैप कहा जाता है मतलब टू रीपे हर लोन सच हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ अर लैंड यहाँ एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है उसकी बात की जा रही है कि एक लोन को चुकाने के लिए क्या करते हैं आप दूसरा लोन ले लेते हैं दूसरे लोन को चुकाने के लिए आप तीसरा लोन ले लेते हैं तो इस तरीके से आप जो डेप्ट होता है जो उधार होता है उसके ट्रैप में चक्कर में फंस जाते हैं तो उसे ट्रैप कहा जाता है नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट नॉट टर्म्स ऑफ क्रेडिट के तीन इम्पोर्टेंट पार्ट हैं स्टूडेंट्स पहला है इंटरेस्ट दूसरा कोलेट्रल और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन मतलब जब कभी भी अगर आपको लोन लेना होगा तो लेंडर जो लोन आपको दे रहा है वो आपको ऐसे लोन नहीं देगा वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखवाएगा उसी सिक्योरिटी को कोलेटरल कहा जाता है वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है आपकी लैंड हो सकती है आपका मकान हो सकता है आपकी ज्वेलरी हो सकती है आपका आपके मकान के पेपर्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो कोलेट्रल क्या है एक तरीके का एसेट है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बॉर्वर की, की होनी चाहिए और वो उस वक्त लेंडर को देगा जिस समय वो लोन ले रहा है लेंडर से तो उसे हम कोलेट्रल कहते हैं अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी पहला इंटरेस्ट रेट दूसरा कोलेट्रल और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन मतलब जब आप लोन ले रहे हैं तो किस इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हैं कोलेटरल क्या चीज गिरवी रख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन आपका डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं तो इन तीनों चीजों को देखा जाता है और इसे प्राइजली एक साथ क्या कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट नो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया स्टूडेंट जब लोन प्रोवाइड कराया जाता है क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है तो दो तरीके के सेक्टर काम करते हैं एक होता है फॉर्मल सेक्टर मतलब पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है आर इसका सुपरवाइजर होता है और दूसरा सेक्टर होता है इनफॉर्मल सेक्टर जो कि आपका बहुत बड़ा है जिस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और ये का, और काफी अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है उसे क्या कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर सबसे पहले हम फॉर्मल सेक्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन अब इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आर बी जो है फॉर्मल सेक्टर जो होता है उसको पूरा सुपरवाइज करता है पूरा देखता है उसकी फंक्शनिंग देखता है इसकी वजह से क्या होता है कि बैंकों को अपने पास में एक कैश बैलेंस बना के रखना पड़ता है और आर बी ये चेक करता है मॉनिटर करता है कि बैंक जो है अपने पास बैलेंस बना के रख रहे हैं कि नहीं आर बी ये भी देखता है कि जो बैंक लोन दे रहे हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं दे रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाले बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को तो ही नहीं दे रहे हैं ये भी देखता है कि छोटे छोटे व्यापारी छोटे छोटे फार्मर्स उन सबको भी लोन दिया जाए तो ये आर देखता है साथ ही साथ बैंकों को पीरियडिकली अपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास सबमिट करानी पड़ती है कि उन्होंने कितना लोन दिया है किस किस को दिया है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है नो no, दूसरा सेक्टर दूसरा सेक्टर आपका क्या है दूसरा सेक्टर है इनफॉर्मल सेक्टर देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करती हो देखती हो और ये जो सेक्टर होता है ये किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को लोगों को देता है और आ, कोई भी इनको रोकने वाला नहीं होता है ना ही इनको देखने वाला होता है साथ ही साथ अपने लोन को वापस लेने के लिए पैसा वापस पाने के लिए ये किसी भी गलत तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम कंपेयर करें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेंडर को लेंडर मतलब उधार देने वाला तो फॉर्मल लेंडर जो होंगे वो आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोन के ऊपर लेकिन इनफॉर्मल लेंडर आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर आप लोन ले रहे हैं और वो आपको बहुत ज्यादा चुकाना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि आपकी एक आपका जो भी पैसा आप अर्न कर रहे हैं जो भी पार्ट कर कमा रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में चला जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि आप इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर को गिन सकते हैं फ्रेंड फ्र हो सकते हैं या आपका एम्प्लॉयर हो सकता है तो ये सब पार्ट किसके हैं आपके इनफॉर्मल सेक्टर के नो सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर नो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है स्टूडेंट की क्योंकि रूरल एरियाज़ में और जो आपके जो कम जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या जिसके पास कोई कोलेट्रल नहीं है कुछ भी गिरवी रखने के लिए तो उसको लोन कैसे मिलेगा तो इस तरह की सिचुएशन के लिए क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप है अब ये ग्रुप जो होते हैं कुछ मेम्बर्स आपस में मिल स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन की एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है एक कि बैंक लोन में क्या होगा बैंक लोन में आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं आपसे कुछ ना कुछ कोलेटरल रखवाया जाता है लेकिन अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है तो फिर क्या होगा और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है पोअर पीपल के पास कि उनको इसीलिए लोन नहीं मिलता है तो इसीलिए इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से लोन तो दे देते हैं लेकिन क्या करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा लोन पे चार्ज करते हैं और आपको गलत तरीके से परेशान भी करते हैं ताकि आप उनका लोन चुका दें तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम क्या दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये किसके लिए है रूलर पीपल गांव के लोगों के लिए और इसमें पर्टिकुलरली किन को इंक्लूड किया गया वुमेन्स को महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में फिफ्टीन टू ट्वेंटी मेंबर्स होते हैं और ये अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं सेविंग पच्चीस से सौ रुपये तक हो सकती है डिपेंड करता है कि पास कितनी सेविंग है और जब मेंबर आपस में सब सेविंग इकट्ठा कर लेते हैं एक तो वो छोटे छोटे लोन्स को ग्रुप के मेंबर्स को दे सकते हैं और आपस में बांटते हैं ग्रुप जो है ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको लोन दे देगा नहीं आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा लेकिन ये उस इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है जो कि आप मनी लेंडर या इनफॉर्मल सेक्टर के जो सेक्टर होता है वो चार्ज करता है उससे ये काफी कम होता है एक दो साल के बाद अगर ग्रुप अपना काम रेगुलर कर रहा है और रेगुलर सेविंग कर रहा है तो वो एलिजिबल हो जाता है किस चीज के लिए बैंक से लोन लेने के लिए तो जब भी लोन सेंक्शन होता है बैंक की तरफ से तो लोन किसके नाम पे सेंक्शन होगा ग्रुप के नाम पे सेंक्शन होगा तो स्मॉल लोन दिए जा सकते हैं मेंबर्स को किसी भी पर्पस के लिए जैसे कि कोई मॉर्गेज कोई गिरवी पड़ी हुई जमीन छुड़वानी है या कुछ आपको बीज खरीदने हैं या फर्टिलाइजर खरीदना है रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदना है जैसे कि लकड़ी बैम्बू कपड़ा या फिर आपको मान लीजिए कोई सुइंग मशीन सुई धागे की मशीन खरीदनी है जानवर खरीदने हैं तो इन सब पर्पज के लिए लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं जो भी डिसीजंस लेते हैं आपस में मिलके ही लेते हैं कि कितनी सेविंग इकट्ठा करनी है लोन एक्टिविटीज कैसे करनी है और ये डिसाइड करते हैं कि लोन किसको देना है किस पर्पस के लिए देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा रीपेमेंट कैसा होगा साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई भी लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो कोई एक मेंबर अगर पे नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस लोन को सारे मेंबर जो ग्रुप के हैं, वो मिलकर पूरा करेंगे और इसी फीचर की वजह से बैंक जो होते हैं इन ग्रुप्स को लोन आसानी से दे देते हैं चैप्टर इज ओवर थैंक यू